Budget means a bag. So we are discussing here about the bag of 2019 and 2020. I would like to drive you all back to 1883, when we have started struggle for Pakistan. The great leaders, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Sir Syed Ahmed Khan, all these leaders were so devoted to make a nation, a Muslim nation, a modern Islamic state, which is now in exist as Pakistan. In 1963, first time space mein hamare log gaye, aur ye ek bahut bada credit tha. Us waqt India ka naam o nishan nahi tha humse muqabla karne mein. India ki baat main isliye karna cha rahi hu ki kal kuch mere opposition ke doston ne kaha tha ki India humse aage hai. India humse kisi surat aage nahi hai, kyunki India mein is waqt duniya mein number 1 berozgari hai. India mein number 1 is waqt jo hai भूख अफलास है, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जो हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन इस वक्त इंडिया में है. और पाकिस्तान आर्मी में नंबर 6 है पूरे वर्ल्ड में हमारी पोजीशन. अगर हम अच्छे एस्पेक्ट्स पे भी नज़र डालें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे काम भी किए. अगर हम सिर्फ रोना रोते रहें कि हमें बजट में क्या मिला क्या नहीं मिला, 100 बिलियन हमें इस वक्त बजट में मिला है और फेडरल से भी हमें 80 बिलियन मिला है. तो अगर हम अपनी चादर के मुताबिक पांव फैला के ये काम भी कर लें तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. मेरे हिसाब से जिस तरह कायद आजम के दौर के वो तमाम लोग विजनरी लोग थे, ये एक बजट भी हमारा विजनरी बजट है, जिसमें हमारे कायद ने इस चीज़ को फोकस किया है. जो बजट 2015, 2016 और 2017 में इस चीज़ को एजुकेशन और हेल्थ को फोकस किया गया था, लेकिन हमारे कायद ने, हमारे CM ने इस बजट को एजुकेशन हेल्थ के अलावा उन तमाम डिपार्टमेंट्स को ऊपर लाए हैं, जिसमें फिशरीज़ है, आपका माइंस एंड मिनरल्स है, आपका लाइफ स्टॉक है, ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स है जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा. और जब हमारे रेवेन्यू जनरेट होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास फंड्स होंगे बलूचिस्तान के डिफरेंट ऐसे इदारों पर लगाने के लिए जहाँ पर हमारे पास माजी में फंड्स नहीं हुआ करते थे. और बात होती है डेफिसिट की, जो डेफिसिट है हमारा बजट में हमेशा, उसकी वजह यही है कि माजी में लोन किसने लिए, माजी की हुकूमतों ने हमारी तमाम चीज़ों को गिरवी किसने रखा कि हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी है, हमारे मोटरवेज गिरवी है, हमारे तमाम बड़े इदारे गिरवी हैं. और IMF से कर्जे के लिए जब जाते हैं तो वो हमारी पाबंदियाँ लगा देते हैं कि आपने जी पेट्रोल नहीं निकालना, आपने गोल्ड नहीं निकालना, तो हम अपने हाथ खुद बांध देते हैं. तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त इमरान खान साहब भी फेस करें, हमारी हुकूमत भी फेस करिए. तो इसमें सिवाय क्रिटिसिज्म के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखें.